आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेंगी चुनाव, बिहार के औरंगाबाद में चर्चा तेज। नमस्कार, मैं हूं पारितोष और आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, सिंगापुर में उनका किडनी बदला जाना है। बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया था कि रोहिणी की किडनी का मैच सबसे अच्छा रहा। सवाल यह है कि इस घटना के बाद और जिस तरह से वह राजनीतिक बयानबाजी इंटरनेट मीडिया के जरिए कर रही हैं, तो क्या वे चुनावी राजनीति में आ जाएंगी? इसकी चर्चा ओबरा विधानसभा क्षेत्र में अभी से होने लगी है। कारण स्पष्ट है कि रोहिणी आचार्य एक क्षेत्र की बहू हैं। रोहिणी की शादी वर्ष 2002 में दाऊदनगर प्रखंड के हिच्छन बिघा गाँव में हुई थी। दाऊदनगर और ओबरा प्रखंड को मिलाकर ओबरा विधानसभा क्षेत्र बनता है। इनकी शादी लालू प्रसाद यादव के कॉलेज के मित्र और मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिसर रहे राव रणविजय सिंह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुत्र शमरेश सिंह के साथ हुई है। ओबरा से रोहिणी रिटेक। ओबरा से रोहिणी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अभी दोनों पति पत्नी सिंगापुर में रहते हैं और वहीं लालू प्रसाद यादव की किडनी प्रत्यारोपित किया जाना है। सुर्खियों में रोहिणी आचार्य के आने के बाद ओबरा विधानसभा में यह चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य यदि राजनीति में आएंगी तो ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। उनकी शादी के बाद हुए कई चुनाव में यह चर्चा रही है कि राजद से रोहिणी आचार्य ही ओबरा से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ऐसा अब तक नहीं हो सका है। अभी यहां से लालू प्रसाद के करीबी वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर कांति सिंह के पुत्र ऋषि कुमार विधायक हैं। इस चर्चा को तब बल मिला है जब लगातार वे राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं और सुर्खियों में हैं। राजद के लिए ओबरा विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो बिहार के राजनीति से तमाम अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज और देखते रहें। नमस्कार।